अभी डिजिटल चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फीएफई न्यू सर्विस, जैसे कि आपने देखा थंबनेल को देख के समझ गए होंगे, फीएफई न्यू सर्विस, आखिर में फीएफई में न्यू सर्विस क्या है, फीएफई न्यू सर्विस के बारे में जानेंगे। ग्रामीण नौकरी कैसे, जैसे कि ग्रामीण नौकरी, आपने डिजिटल सेवा पोर्टल में एक न्यू सर्विसेस आया जो कि ग्रामीण नौकरी आया है, इसके बारे में हम आज जानेंगे आखिर में ग्रामीण नौकरी है क्या चीज। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटा सा हर दिन की तरह गुजारिश करना चाहता हूँ, अभी डिजिटल पर न्यू है तो आप सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटी भी दबा लें ताकि आप लोगों तक ऐसी नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जैसे कि कोई भी जानकारी होता है जरूर अपडेट होता है आपके और आप लोगों तक ऐसी नोटिफिकेशन हर दिन दिया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ डिजिटल सेवा पोर्टल पर आएंगे और डिजिटल सेवा पोर्टल को हम यहाँ से फीएफई आईडी एंड पासवर्ड से हम लॉगिन करेंगे। जैसे यहाँ पे आईडी डाल दिए और यहाँ पे पासवर्ड, जैसे आईडी पासवर्ड डालने के बाद हम लॉगिन करेंगे, साइन इन पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे लॉगिन हो जाता है। अब यहाँ पे लॉगिन होने के बाद अब यहाँ पे आता है, जैसे कि आपको मेन डैशबोर्ड ओपन होता है, डैशबोर्ड ओपन होने के बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे जैसे कि मेरे में सबसे प्रथम में दिख रहा है ग्रामीण नौकरी। ग्रामीण नौकरी अगर आप में नहीं जा रहा है तो सर्विस में आएंगे, सर्विस में आने के बाद अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पे न्यू पे चले जाएंगे। जैसे न्यू पे जाने के बाद ग्रामीण नौकरी फीएफई स्किल दे रहा है, यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह से कुछ इंटरफेस ओपन हो रहा है। यहाँ पे देख रहा होम, अबाउट, यहाँ पे ये कॉन्टेक्ट और लॉगिन करेंगे तो लॉगिन में यूजर आईडी एंड पासवर्ड मांगेगा और कनेक्ट, फीएफई कनेक्ट करेंगे। फीएफई कनेक्ट करने के बाद आपको फर्स्ट टाइम अगर कनेक्ट करना है तो इस टाइप से आपको दिखाई देगा, अगर आप सेकंड टाइम कर रहे हैं तो आपको डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद अब आपको करना क्या होता है, सीधे से यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना होगा। यस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब आखिर में फीएफई नौकरी है क्या चीज़, फीएफई नौकरी के बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले जैसे कि फीएफई नौकरी आपने देखा कि यहाँ पे फीएफई जॉब पोर्टल यानी फीएफई नौकरी, तो फीएफई नौकरी के बारे में सबसे पहले जानेंगे। यहाँ पे सबसे पहले जैसे कि सबसे पहले जाते थे यहाँ पे नेशनल करियर सर्विस। आप यहाँ पे देख रहे हैं नेशनल करियर सर्विस, जैसे लिखते हैं नेशनल करियर सर्विस में होता क्या है, जॉब यहाँ पे जैसे न्यू यूजर, यहाँ पे यूजर आईडी एंड पासवर्ड, न्यू यूजर, जैसे किसी भी जॉब को अगर जॉब के लिए आप अगर पढ़ लिख के सीधा घर पे बैठे हैं तो उस समय होता क्या है, जॉब की तलाश होती है। तो हम यहाँ नेशनल कैरियर सर्विस में आके न्यू यूजर क्रिएट करके यहाँ पे जैसे न्यू यूजर करते हैं। न्यू यूजर जैसे आपको दिखा रहा है, न्यू यूजर के पास यहाँ पे अनेक सारे आते हैं, जैसे कि जॉब फेकर, एम्प्लॉयर, और यहाँ पे बहुत से आते हैं। इसी प्रकार से यहाँ है जैसे कि फीएफई जॉब में है क्या चीज़, इस तरह से डैशबोर्ड ओपन होगा। डैशबोर्ड ओपन होने के बाद यहाँ पे एड जॉब फॉर फेकर में आप आएंगे, यहाँ पे देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन यानी न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आता है जॉब फेलर और जॉब प्रोवाइडर। तो आप देख रहे हैं जॉब फेलर है या जॉब प्रोवाइडर है। जॉब फेलर का मतलब होता है जॉब मेरे को खुद को चाहिए, जॉब प्रोवाइडर का मतलब होता है जॉब मेरे को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, यानी कि मेरे को लड़कों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे जॉब फेलर यानी कि जॉब फेलर पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे मेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर को प्रेस करना होता है। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर प्रेस करेंगे, सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद ये ओटीपी हमें प्रोवाइड होगा, यहाँ पे ओटीपी मिलेगा। ओटीपी मिलने के बाद हम यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पे चेक मार्क करेंगे। चेक मार्क करने के बाद साइन अप के क्लिक कर देंगे। साइन अप पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे ओके करेंगे तो ये ऑलरेडी बता रहा है, यानी कि अब यहाँ पे सीधा सा कहा जाए कि इसमें हम ये वाले नंबर दूसरे नंबर को सीधा सा कहा जाए दूसरे नंबर को हम देख लेते हैं क्या बताता है, क्योंकि दूसरे नंबर को अगर हमने किया तो यहाँ पे अब डालेंगे दूसरा नंबर। जैसे कि मैं न्यू एंट्री करके देगा, अब यहाँ पे देख रहे हैं योर ऑलरेडी रजिस्टर्ड प्लीज लॉगिन। अब यहाँ पे लॉगिन के लिए बोल रहा है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, यानी कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए पहले से रजिस्टर्ड हो चुका है नंबर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपको बता रहे हैं जॉब फिलर करेंगे और यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं न्यू आईडी डाल दिए और यहाँ पे
मोबाइल नंबर डाल दिया और फ्रेंड ओटीपी पे हमने क्लिक कर दिया। फ्रेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद ये ओटीपी जो प्रोवाइड हमें मैं दूसरा नंबर डाला हूँ, दूसरा नंबर पे जो ओटीपी प्रोवाइड हमें होगा उस ओटीपी को हमें यहाँ फिदाफा प्रेस कर देना है। यहाँ प्रेस करने के बाद फाइन इप पे चेक मार्क लगाएंगे और फाइन इप पे क्लिक कर देंगे। ये देख रहे हैं ऑलरेडी बता रहे हैं, यहाँ पे आने के बाद आप आगे का जो फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन आएगा पूरे फॉर्म को फिलअप कर देंगे। फॉर्म फिलअप करने के बाद जिस तरह से यहाँ करते हैं उसी प्रकार से करना है। इसके बाद आपको क्या होगा, जो भी अगर जॉब फेलर है तो जॉब फेलर यानी जॉब आपको चाहिए तो सीधा जॉब फेलर में यहाँ पे काउंटिंग दिखाएगा। जॉब प्रोवाइडर है तो जॉब प्रोवाइडर पे यहाँ पे आएगा और प्लेस कैटेगरी यानी कि आप जिस प्रकार से है पूरे डिटेल शो करेगा। अब यहाँ पे शो करने के बाद जिस भी किसी प्रकार से जॉब अगर किसी भी कंपनी में जॉब आपको वैकेंसी निकलती है तो सीधा आपके मेल पे आपके मेल आईडी पे यहाँ पे आपको सूचना मिलेगी यानी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप वहाँ से इंटरव्यू आसानी से दे सकते हैं। तो आपने देखा जॉब फेलर और जॉब प्रोवाइडर, जॉब प्रोवाइडर को होता है कि हम यहाँ पे रजिस्टर्ड करेंगे, रजिस्टर्ड करने के बाद ये हमें होगा जॉब प्रोवाइडर हमें कितने लड़कों की आवश्यकता होती है, अपना क्वांटिटी डालेंगे, लड़कों की क्वांटिटी डालेंगे। अब वहाँ पे क्वांटिटी डालने के बाद सीधा सा कहा जाए, क्वांटिटी डालने के बाद यहाँ पे पता चलेगा और जिसको जॉब की आवश्यकता होती है तो जॉब फेलर में वो फॉर्म भरे रहते हैं और उनको नोटिफिकेशन जाता है और हमें वो कांटेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से जॉब फेलर और जॉब और क्या कहते हैं प्रोवाइडर का मतलब होता है। जैसे नेशनल रजिस्ट्रेशन यानी नेशनल करियर सर्विस में आप रजिस्ट्रेशन करते हैं सेम सीएफई में, लेकिन इसका कोई भी चार्जेबल नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का चार्ज एक भी रुपये नहीं है, फ्री है। तो थैंक यू, जैसे कि आपने देखा कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो अभी डिजिटल चैनल पे आए और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि जॉब फेलर और यहाँ पे डिजिटल ग्रामीण यानी ग्रामीण नौकरी के बारे में जाने। और यहाँ पे अभी डिजिटल चैनल पे अगर आपने न्यू है तो अभी डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटी भी दबा लें ताकि ऐसी नोटिफिकेशन आप लोगों तक हर दिन पहुँचता रहेगा।